24 सितंबर 2007 के दिन T20 विश्व कप का पहला विजेता बनने वाले देश भारत को अपने दूसरे टाइटल का इंतजार आज भी है। भारत इस इंतजार में 14 सालों की अग्नि परीक्षा को पार कर चुका है और इसलिए अब ये लग रहा है कि इस बार जिस तरह 14 सालों के वनवास के बाद भगवान राम को अपना सिंहासन मिला था, उसी तरह राम के इस देश भारत को भी अपना ताज फिर से मिलने वाला है। लेकिन क्रिकेट के खेल में सबसे बड़ी परीक्षा समय की नहीं बल्कि खिलाड़ियों के जज्बे और जुनून की होती है और भारत इस परीक्षा में सफल होने के लिए अपने खिलाड़ियों के साथ हमेशा की तरह तैयार है, जिसका एक नमूना हम इंग्लैंड के विरुद्ध देख चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम उन खिलाड़ियों से रूबरू करवाने वाले हैं जिनके कंधों पर भारत को इस सफर के अंत तक ले जाने का जिम्मा होगा। इनमें से कुछ खिलाड़ी नए भी हैं और कुछ खिलाड़ियों के पास बीते सालों का अनुभव भी है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। पहले नंबर पर हैं केएल राहुल। पिछले कुछ समय से भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी लाइनअप की रीढ़ बने रहने वाले राहुल पर इस विश्व कप में भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीदें हैं, क्योंकि इस खिलाड़ी के पास विश्व कप में खेलने का अनुभव होने के साथ साथ बल्लेबाजी में वो हर बात है जो किसी खिलाड़ी को किसी भी तरह की परिस्थिति या कहें कि दबाव से बाहर आने के लिए जरूरी होती है। इस खिलाड़ी की बल्लेबाजी का एक नमूना हम इंग्लैंड के खिलाफ वार्म अप मैच में भी देख चुके हैं और उससे पहले भी केएल राहुल 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप में अपना शानदार खेल दिखा चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई वो अर्धशतकीय पारी यह बताने के लिए काफी है कि इस बल्लेबाज में दबाव झेलने की अद्भुत क्षमता है। आईपीएल 2020 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे केएल राहुल का इस सीजन में भी प्रदर्शन शानदार रहा था। साथ ही यह खिलाड़ी भारतीय टीम को एक शानदार ओपनिंग बैट्समैन के साथ साथ चार नंबर के लिए भी एक सशक्त ऑप्शन देता है। ऐसे में राहुल के जैसा विकेटकीपर बल्लेबाज भारतीय टीम को इस बार चैंपियन बनाने की राह में एक अहम कड़ी साबित हो सकता है। दूसरे नंबर पर हैं रविचंद्रन अश्विन। हमारी इस लिस्ट में यह नाम किसी को चौंका भी सकता है तो कोई हमसे जाहिर तौर पर सहमत भी हो सकता है। रविचंद्रन अश्विन भारत की T20 टीम में एक लंबे अरसे के बाद वापसी कर रहे हैं, इसलिए उनके फॉर्म पर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन हमारे लिए वो इस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को चैंपियन बनाने में अहम योगदान दे सकते हैं, जिसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि उनके लंबे अनुभव की शक्ति को किसी भी तरह से नकारा नहीं जा सकता है। रविचंद्रन अश्विन 2011 विश्व कप में भी भारत के साथ थे और उस समय भी यह खिलाड़ी भारत की तरफ से खेल रहा था जब इस देश ने आखिरी बार कोई ICC टाइटल अपने नाम किया था, यानी चैंपियंस ट्रॉफी। उसके बाद भारत के कुछ निराशाजनक लम्हों में भी अश्विन इस टीम का हिस्सा रहे, यानी इस खिलाड़ी के पास जीत का स्वाद और हार की कड़वाहट भी है जो इस विश्व कप में अनुभव बनकर भारत को कई मौकों पर कई तरह से जीत दिला सकती है। इसके अलावा रविचंद्रन अश्विन का अब तक का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर उनको भारत का ही नहीं बल्कि इस टूर्नामेंट में खेल रही हर टीम के अधिकतर गेंदबाजों से बड़ा बनाता है, इसलिए रविचंद्रन अश्विन हमारे लिए इस बार भारतीय टीम की किस्मत के ताले की चाबी का काम कर सकते हैं। भारतीय टीम के पास ऐसी एक दो चाबी नहीं बल्कि ऐसी कई चाबियों का गुच्छा है जो अलग अलग परिस्थितियों में अपना महत्व साबित कर सकती हैं। इस गुच्छे में अगला नाम है मोहम्मद शमी। वर्ल्ड कप 2019 में अफगानिस्तान के खिलाफ हैट्रिक लेकर भारत को एक शर्मनाक हार की दहलीज से जीत तक पहुंचाने वाले मोहम्मद शमी, जो अक्सर टेस्ट क्रिकेट में अपने जलवे दिखाते रहते हैं, इस बार क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट के बड़े मंच पर भी भारतीय टीम के लिए जीत की गारंटी बनकर सामने आ सकते हैं। जसप्रीत बुमराह के बाद एक शानदार पेस अटैक को लीड कर रहे मोहम्मद शमी अपने अनुभव और गेंद की धार का उपयोग करना भलीभांति जानते हैं और इसलिए वह इस टूर्नामेंट के सबसे कामयाब तेज गेंदबाज बन सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो भारत को चमचमाती ट्रॉफी उठाने से कोई टीम नहीं रोक सकती है। हमारे इस लिस्ट में चौथे स्थान पर भी एक काबिल गेंदबाज है जो अपनी फिरकी से दुनिया के कई बड़े बल्लेबाजों को आईपीएल जैसे बड़े मंच पर पवेलियन का रास्ता दिखा चुका है। राहुल चहर भारतीय क्रिकेट टीम के एक ऐसे उगते सूरज हैं जो आने वाले समय में अपनी चमक से पूरे विश्व क्रिकेट को रोशन करने की काबिलियत रखता है। भारत के इस गेंदबाज को आने वाले कुछ दिनों में अपने अब तक के करियर के सबसे बड़े इम्तिहान से गुजरना है, जहां इनकी सफलता भारत के लिए जीत की गारंटी बन सकती है। पांचवे नंबर पर हैं ईशान किशन। वार्म अप मैच में भारतीय टीम की जीत का सबसे बड़ा हीरो साबित हुआ या छोटे कद का बल्लेबाज भी उसे इम्तिहान से गुजरने वाला है, जहां से इनके साथी खिलाड़ी राहुल चहर गुजरने वाले हैं। ईशान किशन का इंग्लैंड के खिलाफ अपने कप्तान रोहित शर्मा की जगह खेलना बताता है कि इस बल्लेबाज में काबिलियत की कमी नहीं है, बस जरूरत इसी तरह के एक मंच की थी जो ईशान को मिल गया है और आने वाले दिनों में कई ऐसे मौके मिलेंगे जहां से भारत को जीत दिलाने का जिम्मा भी इसी छोटे कद के खिलाड़ी के पास होगा। ईशान किशन उन मौकों को किस तरह लेते हैं या देखने वाली बात होगी। छठे नंबर पर हैं शार्दुल ठाकुर। हाल ही में खत्म हुए आईपीएल सीजन में अपने प्रदर्शन की बदौलत भारतीय क्रिकेट टीम में अपना स्थान पक्का करने वाले ठाकुर पर भी उसी प्रदर्शन को एक और बड़े मंच पर दोहराने का दबाव होगा। धोनी की कप्तानी में आईपीएल चैंपियन बनाया गेंदबाज उनकी मेंटरशिप में
अपनी टीम को कहां तक ले जा पाता है और किस तरह का योगदान देगा, ये देखने वाली बात होगी। जसप्रीत बुमराह और शमी के बीच खुद के प्रदर्शन को बेहतर से बेहतरीन बनाने की जिम्मेदारी भी इस गेंदबाज के कंधों पर है, जिसे निभाकर यह आईपीएल चैंपियन भारत की ताजपोशी में अहम योगदान दे सकता है। इन सब के अलावा विराट कोहली की क्लास और महेंद्र सिंह धोनी के गोल्डन लक पर भी सबकी नजरें होंगी, जो किसी भी मैच को कभी भी कहीं से बदलने की क्षमता रखते हैं। मैदान से बाहर रहकर धोनी किस तरह भारत को चैंपियन बनाते हैं और विराट कोहली अपनी कप्तानी को किस तरह एक बेहतर अंजाम पर लाकर छोड़ते हैं, इन सभी बातों का जवाब आने वाले कुछ दिनों में आपके सामने होगा और हमें उम्मीद है कि वो जवाब भारत देश की उम्मीदों को निराश नहीं करेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। पुण्य कथा सिया राम की सुनाने, गाथा महाभारत के महासंग्राम की गाने, अनेकों पावन पौराणिक कथाओं का लेके उपहार नारद टीवी आ रहा है आपके द्वार। नारद टीवी प्रस्तुत करता है नारद वाणी, सनातन धर्म की अनेकों अद्भुत गाथाओं और जानकारियों से भरपूर अनूठा मंच। तो अभी सब्सक्राइब करें नारद वाणी यूट्यूब चैनल को।